Now, इसके पहले कि मैं आगे की बातें रखूं मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा बेस बना लो बेस समझते हैं आप लोग फाउंडेशन uh, बुनियाद ठीक है ना मुझे कम से कम तीस साल के आसपास उनतीस तीस साल के आसपास मेरी सेविकाई को हो चुके हैं ठीक है ना इन सेविकाई करते 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 अभी तक जो अभी मैं बैठा हूं आज 2021 अगस्त फर्स्ट तक <laughs> मैं बहुत इंटरनेशनल और नेशनल दोनों की बात कर रहा हूँ ये ऐसा व्यक्ति है मैं नहीं कहूँगा सौ टक्का लेकिन तकरीबन मैं देख चुका हूँ सेवकों को मिल चुका हूँ छोटी बड़ी सेविकाएं देख चुका हूँ पर्सनली उनके साथ बैठकर मीटिंग में अटेंड होकर फेस टू फेस बातचीत करते एक प्लेटफॉर्म पे उनकी प्रीचिंग मेरी वर्शिप ऐसे करते हुए मैं अपना वक्त उनके साथ बिता चुका हूं उस अनुभव के साथ बातें करूंगा आज उस अंडरस्टैंडिंग के साथ बातें करूंगा आज साथ ही साथ वचन क्या कहती है ये लोग क्या करते हैं बाइबल दे देना वचन खोल के देना क्या कहती है ये लोग क्या करते हैं टोटल 90 परसेंट अपोजिट है तो मैं वापस कहता हूं कि इस पुस्तक जिसको बिब कहते हैं ग्रीक वर्ड में यूनानी भाषा में बाइबल बुक्स ठीक है ना तो इसके अंदर पवित्र आत्मा के बारे में क्या लिखा है पवित्र आत्मा क्या चाहता है कैसे कार्य करता है इन बातों को आपके बीच में एक अलग एंगल आज रखूंगा पवित्र आत्मा के ऊपर बहुत बातें होती है मैं खुद भी बहुत बातें कर चुका हूं बहुत प्रचार होते हैं बहुत प्रचार कर चुका हूं तो आज जितने भी अभी फेसबुक और यूट्यूब पे लाइव हैं रिक्वेस्ट है कि आखिर तक बने रहना बातों को समझना उसके बाद आप जो है अपने जीवन को जांचना कि जिसको हम पवित्र आत्मा कहते हैं वो क्या चीज है वो क्या चाहता है वो क्या कार्य करता है कैसे कार्य हमसे करवाना चाहता है अगर इस क्षेत्र में आप नहीं समझे बेड़ा गर्क करोगे खुद का भी और मसीह के दह को भी खराब कर जाओगे और लिखा है ना लूका सत्रह एक में लूक सेवेंटीन वन लिखा है ठोकरों का लगना जरूरी है मैं क्या करूं अभी मेरे दिमाग में कुछ क्लिक हो रहा है मतलब कुछ बातें ऐसी जा रही हैं जो मैं देखता हूं फेसबुक यूट्यूब और पहले जब आमने सामने होते थे तभी ऐसे ऐसे लोगों को हंसी भी आती है अदर साइड में गुस्सा भी आता है ऐसे ऐसे लोगों को मैंने प्रचार करते हुए देखा है पवित्र आत्मा के बारे में जिनको पवित्र आत्मा की बारे में और उनकी मिनिस्ट्री के बारे में ये भी सी का नॉलेज नहीं है विदाउट नॉलेज <laughs> कॉन्फ्रेंस uh, कर रहे हैं, स्टडी दे रहे हैं, कहते हैं कि स्कूल ऑफ होली स्पिरिट ऐसा कुछ टाइटल रखते हैं गजब गजब का टाइटल रखते हैं पवित्र आत्मा को लेकर uh, जब मैं देखता हूं कुछ लीफलेट्स को फेसबुक यूट्यूब पे तो दिमाग में प्रश्न उठता है इसका ढांचा ही हिला हुआ है डॉक्ट्रीन में पवित्र आत्मा के बारे में क्या सिखाएगा तो कहते हैं ना उस भेड़ के फल की आप अपेक्षा कर ही नहीं सकते जिस भेड़ का जड़ी खराब है yeah. <laughs> यह समझ रहा होगा तो आप जब मुझे सुन रहे हैं मैं तो हमेशा कह रहा हूं कि मैं कोई भी स्टेटमेंट और मैं भी रखूंगा कम से कम आठ बातें मैं रखूंगा अभी ठीक है ना मैं विदाउट स्टडी कॉन्टेक्स्ट की स्टडी ट्रांसलेशंस की स्टडी तब क्या हुआ था हिस्ट्री में क्या हुआ था क्रिटिक्स क्या कहते हैं एक्स जेड कंप्लीट उसके बाद मैं आता हूं जब मेरा स्टेटमेंट मैं रखता हूं तो जिसकी जड़ें खराब है ना उनकी तादाद आज नब्बे टक्का है <laughs> तो वो नब्बे टक्का मेरे वीडियो को मेरे प्रचार को मेरे स्टेटमेंट्स को जो कि इसमें से होता है डंके की चोट पे ओपन चैलेंज मेरा एक भी स्टेटमेंट वचन के बाहर अगर हो गया तो निकाल के बता दे कोई और मैं जो रखता हूं और मैं जिसको कहता हूं कि ये गलत है कोई व्यक्ति ओपन चैलेंज है कि उसको रख के बता दे बाइबल के अनुसार के डैनियल आपने ऐसा कहा लेकिन ये देखो ऐसा है ओपन चैलेंज कोई भी अभी जो आठ बात रखूंगा उसकी बात कर रहा हूं मसी की दह ओके एक अलग एंगल से आते हैं क्या मसीह की दह को शिक्षित एजुकेट इक्विप स्टडी में बाइबल में मजबूत करना जरूरी है लाख टक्का परसेंट वन लाख परसेंट करना जरूरी है क्यों क्योंकि ईशु कहता है भेड़िया वुल्फ शीप के कपड़े में भेड़ के कपड़े में चर्चेस के अंदर घुस गया है ऑलरेडी घुस गया है और वो कई तरीके से खराब कर रहा है अब तो परिस्थिति ऐसी है कि एक वक्त था भेड़ कहता था भेड़िए को कि तू कैसे आ गया अंदर मसीह के देह में अब परिस्थिति ऐसी है कि भेड़िया कहता है भेड़ को तू कैसे आ गया मसीह के अंदर सीधा डिफरेंस हम पहले क्या करते थे भेड़ियों को भगाते थे अब नब्बे टक्का भेड़िए हो गए दस टक्का भेड़ को भगा रहे वो बात सही है कि यीशु ने पहले ही कह दिया कि अंत के दिनों में ऐसी बातें होंगी बहुत सताव आएगा बेड़ा गरक होगा तो शिक्षित इक्युप एजुकेट जागरूक अवेयरनेस सही शिक्षाओं की और विशेषकर पवित्र आत्मा के बारे में हालांकि बहुत टॉपिक है लेकिन मैंने सिर्फ एक एंगल आज लिया है वो एंगल क्या है आपके बीच में अभी यहां से शुरू करूंगा तो लिखा है आठ कार्य जो पवित्र आत्मा नहीं करवाता वाह वापस कहता हूं ठीक से पढ़ लेना इसी के ऊपर बात करूंगा आज लिखा है आठ कार्य जो पवित्र आत्मा नहीं करवाता तो जब मैं एक एक करके बोलता जाऊंगा एक एक पॉइंट रखता जाऊंगा ओपन चैलेंज अभी भी दे रहा हूं कि मुझे कोई मैं जो पॉइंट रखूंगा उसके ठीक अपोजिट में रेफरेंस रखकर मेरे स्टेटमेंट को गलत साबित करके बता दो और मैं आपको अभी से कह रहा हूं ये नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे क्योंकि जिसको अठारह पता है उसको तुम सत्रह की टीचिंग नहीं देना उन्नीस की दे दो तो जो रास्ते से गुजर चुका है मैं रास्ता ऐसे होता है भाई साहब रास्ता वैसे होता है मत सिखाओ यार मैं जा चुका हूं यह घवेंट की बात नहीं है यह एजुकेशन की बात है या कुछ लोग को नहीं समझ में आता नमस्ते हमारा <laughs> काम चलता रहेगा ठीक है।, है ना तो आप लोग जितने भी अभी लाइव देख रहे हैं आप अभी इस बात पे सुनने जा रहे हैं इस विषय पे सुनने जा रहे हैं कि आठ कार्य जो पवित्र आत्मा नहीं करवाता यह आपके दिमाग में अभी बात आनी चाहिए तो सब लोग तैयार हैं जी हां अब यहां से मैं शुरू करूंगा और इसकी पीडीएफ फाइल मसी मंथन का जितना भी ग्रुप है नेशनल इंटरनेशनल और एसएसडी का ग्रुप सब में शेयर किया जाएगा तो फोकस करिएगा लेकिन इसके पहले के आठ कार्य जो पवित्र आत्मा नहीं करवाता कुछ वचन आइए पढ़ लेते हैं पहला कुरंतियों चौदवा अध्याय वचन बत्तीस और तैतीस इंग्लिश में फर्स्ट क्वर चैप्टर फोर्टीन टू थर्टी थ्री ठीक है ना बत्तीस तैतीस क्या लिखा है आइए पढ़ते हैं बहुत गजब की बात लिखी है पहलू साहब ने वह, मेरे को थोड़ा बोलने दीजिए पहलू साहब जब मिनिस्ट्री करते थे ना तो उन्होंने कम से कम चौदह फोर्टीन लेटर्स को लिखे अलग बात है कि बहुत लिखा होगा लेकिन अभी डेटा तो फोर्टीन का ही कलेक्ट हुआ है ठीक है ना बहुत सारी बातें सिखाई होंगी तो मिनिस्ट्री करते करते चर्च प्लान करते करते अद्भुत कलिसिया स्थापना की है किसने पॉलोस ने ऐसा महान प्रभु का दास था वो ठीक है ना मिनिस्ट्री करते करते सेवा करते करते जब वो वापस जाते थे ना विजिट के लिए जिसको कहते हैं फॉलोअप लेना विजिट लेना यार सब ठीक है ओके यहां ठीक है ओके ये कैसा कर रहा है ओके ऐसे करते करते एक चैप्टर ऐसा आ गया और वो रिकॉर्ड हो गया चौदहवें अध्याय में या <laughs> तो चौदवा अध्याय एक से लेके चालीस तक का वचन है इतना लंबा चैप्टर लिखा है उन्होंने तो वो जब देख रहे थे कौरंतियों की कलिसिया आत्मा जीत रही है मरकल्स हो रहे हैं लोग बचाए जा रहे हैं डिसाइपलिंग हो रही है चर्च प्लांटिंग हो रही है चर्च प्लांटिंग मतलब प्रभु का राज्य बढ़ रहा है लेकिन दूसरी तरफ उसने क्या देखा यार पवित्र आत्मा को लेकर लोग कंफ्यूज में है गड़बड़ कर रहे हैं तब जाकर उसने यह वचन लिखा जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर है भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्य वक्ताओं को प्रोफेटोस ग्रीक वर्ड यूनानी भाषा जिसका अर्थ होता है टेलिंग, इसका मतलब हुआ कि आज की जो प्रोफेसी है कि आपका कल ऐसा होगा परसों ऐसा वो नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं उस वक्त में बाइबल नहीं होती थी तो परमेश्वर जो प्रकाशन देता था परमेश्वर जो वचन देता था ना उसको लेकर जो प्रचार करते थे उसको लिखा गया है कि प्रोफिटोस प्रचार करना स्प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड ये था वो बात अलग है इसके ऊपर फिर कभी आएंगे तो भविष्य वक्ताओं की आत्मा भविष्य वक्ताओं के वश में ये जो शब्द है ना वश इस पर फोकस करिएगा आप कंट्रोल में है तो इसका मतलब है कि जो कम ऑन गेट रेडी ओके बहुत मजा आएगा पवित्र आत्मा जो भविष्य वक्ताओं को मिला है वो भविष्य वक्ता उस आत्मा में लीडिंग कर लीड कर, कर कर या फिर अपने द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा जो वहां पे बातें करते थे उसको मिलाकर उसने कहा है कि वो वश में कंट्रोल में तो दूसरे शब्दों में ऐसा कुछ हो रहा था ध्यान दीजिएगा ऐसा कुछ हो रहा था कि भविष्यवक्ता बेकाबू हो रहे थे वश के बाहर हो रहे थे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे तो इसका अगला वचन 33, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं कैन यू बिलीव दिस गड़बड़ी ऑथर ऑफ कंफ्यूजन गड़बड़ी नहीं है या गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है बल्कि शांति का करता है करता है जैसा पवित्र लोगों की सब कलिस में है तो इसका मतलब यह हुआ कि पौलूस को पहली सदी के कलिसिया में गड़बड़ी दिखी और उसको यह भी पता चला ध्यान दीजिएगा उसको यह भी पता चला कि भविष्यवक्ता, मैं आपको बताता हूं कि पहला क्रांति किसके बाद आया रोमियो

अगर आप हिस्ट्री भी चेक करेंगे ना कि कौन सा लेटर कब लिखा तो विकीपीडिया थोड़ा थोड़ा आपको मदद करेगा ठीक है ना वो बात अलग है की किताब जो गलतियों के बाद आती है उसमें लिखा है कि मिनिस्ट्री क्या होती है अपोस्टल प्रॉफिट मास्टर टीचर के बाद में आया लेकिन इसको इसको अभी लिखना था क्योंकि तभी उसको प्रकाशन नहीं मिला होगा फाइव फुल मिनिस्ट्री क्या होता है पवित्र आत्मा ने बाद में दिया होगा लेकिन पौलूस कहता है कि मैं क्या देख रहा हूं भविष्य वक्ता आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे उनकी प्रीचिंग बेकाबू भे बे लगाम घोड़ा खोला सांड <laughs> ऐसा वाला ठीक है ना और उसको यह भी पता चला कि कलिस के अंदर गड़बड़ी चल रही है गड़बड़ी समझते है? टोटल के उस, टोटल कंफ्यूजन अरे ये सही है कि वो सही है अरे ये गलत है कि वो गो पॉइंट ऐसा उसको महसूस हुआ उसने लिखा तो जैसे पौलूस को तब लगा वैसे अब मैं देख रहा हूं तो उसमें से आठ बातें आज आपके बीच में रखूंगा तो जब आप चेक करोगे ना तो चेक करना कि कहीं आपका पास्टर ये आठ बातें तो नहीं कर रहा है आपका लीडर कहीं ये आठ बातें तो नहीं कर रहा है आपका चर्च कहीं ये आठ बातें तो नहीं कर रहा है आपका वर्षिपर कहीं ये बातें तो नहीं कर रहे तो आपको क्या करना है चेक करना है और मैं वापस कहता हूं कि मैं जो भी बोलूंगा इसमें से बोलूंगा और मेरा एक भी स्टेटमेंट आपको अगर उसको कैंसिल करना है कि यस यहां डैनियल राज ने गलत बोला है तो इसको रखना सामने बकवास नहीं करना है आपको ठीक है ना क्योंकि मैटर किसका है पवित्र आत्मा का है जी हां मैं जब तक जिंदा हूं और जब तक मुझे प्रभु ने ये देख के रखा है ना कि मैं दुनिया की मसीहत को इस युग में मसीह के दह को इक्विप करूं मैं तब तक करता रहूंगा और किसी के बाप से नहीं डरूंगा यह आपको मैं पहले बता चुका हूं जिस जब पहले डरते थे तो ऐसी हरकतें करते थे लेकिन अभी हरकतें अच्छी हैं तो डरे क्यों द पॉइंट जितना वीडियो बनाना है बना लो और जितना कुछ बोलना है बोल लो कोई फर्क नहीं पड़ता है हाथी चले बाजार कुत्ते भोके हज़ार yeah. <laughs>